नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के मोबाइल कोर्स में आपका स्वागत है और भारतीय अर्थव्यवस्था विषय लेकर मैं हूं आपके साथ आगाज से। भारतीय अर्थव्यवस्था विषय पर इस वीडियो पर हम राष्ट्रीय आय के विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले अभी तक हमने क्या देखा है उस पर बात कर लें। सबसे पहले हमने अर्थव्यवस्था शब्द का मतलब समझा। इस शब्द के मतलब को समझने के बाद हमने अर्थव्यवस्था विषय को पढ़ा कैसे जाए ये जाना। उसके बाद हमने सदचक्र और दुष्चक्र वाले कंसेप्ट से उन चार प्रमुख टॉपिक को निकाला, जिन चार प्रमुख टॉपिक पर हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यह आपके सिलेबस, आपके टाइम एनर्जी और एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर 70-80% भाग बनता है। इसके बाद उन सदचक्र और दुष्चक्र के जो हमने चक्र निकाले, छोटे छोटे चक्र निकाले, उसमें सबसे प्रमुख चक्र साइकिल वन राष्ट्रीय आय पर चर्चा शुरू की। राष्ट्रीय आय की चर्चा पर हमने सबसे पहले ये बात किया कि राष्ट्र किसे कहते हैं, और एक प्रश्न का हमने जवाब भी खोजा कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का आकलन महत्वपूर्ण क्यों होता है, और पिछले वीडियो पर हमने वो सारी चीज़ें खत्म कर ली। उसके साथ ही हमने राष्ट्रीय आय को कैसे कवर करेंगे इसकी भी रूपरेखा हमने देखी थी। तो चलिए इस भाग पर हम उस रूपरेखा के दूसरे पड़ाव अर्थात राष्ट्रीय आय के विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक हमने ये समझा कि राष्ट्रीय आय अर्थात नागरिकों की आय से संबंधित बात होने वाली है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं कोई एक व्यक्ति हूँ और इस व्यक्ति के कई रूप हो सकते हैं, एग्जाम्पल हैं, ठीक है, मेरे कई रूप हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अमावस्या की रात को लोमड़ी बन जाता हूँ, ठीक है, इसे समझने का पहले प्रयास करते हैं। मेरे कई रूप यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आप लोगों के दृष्टिकोण से, आप लोगों के देखने के नज़रिए से मैं क्या हूँ, तो मेरा रूप आपको कैसा दिखेगा, तो कि भाई ये जो सर हैं ये अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल विषय दोनों डील करते हैं, अर्थात इकोनॉमी और ज्योग्राफी के फैकल्टी हैं, टीचर हैं, ठीक है। एक दृष्टिकोण मेरे मित्रों की तरफ से ये बन सकता है कि भाई यह जो व्यक्ति है यह बहुत ही हेल्पफुल नेचर का है या फिर बहुत ही कंजूस है, ठीक है। एक दृष्टिकोण मेरे घर वालों की तरफ से बन सकता है, परिवार वालों की तरफ से बन सकता है कि ये घर का सबसे छोटा बेटा है और इसलिए ये छोटा होने के कारण जो सामान्य उनके व्यवहार होते हैं बहुत ही नटखट, बहुत ही शैतान होते हैं। एक दृष्टिकोण ये बन सकता है मेरे सहकर्मियों की तरफ से कि भाई मैं काफ़ी ज़्यादा क्या हूँ, इनोवेटिव हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपनी तारीफ करते हुए कई सारे अपने रूप दिखा लिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन इस व्यक्ति को देखने के नज़रिए कई हैं। इस व्यक्ति के विभिन्न रूप कहने का मतलब यह है कि अलग अलग प्रवृत्ति, अलग अलग लोगों के साथ एक अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण इस व्यक्ति को लेकर बन सकते हैं, लेकिन ये सारे चीज़ हैं किसके, तो इसी एक व्यक्ति के हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम नागरिकों की आय पर चर्चा करेंगे, नेशनल इनकम पर चर्चा करेंगे, तो इस नेशनल इनकम के विभिन्न दृष्टिकोण पर बात करेंगे, अर्थात इस नेशनल इनकम को देखने का अलग अलग नज़रिया हम यहाँ पर देखेंगे, उन अलग अलग नज़रियों को हम समझेंगे। अर्थात नेशनल इनकम के किसी एक विशेष दृष्टिकोण पर बात जब होगी तब हम GDP के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय के जब एक विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में बात होगा तब हम GNP पर बात करेंगे, राष्ट्रीय आय का ही एक अलग नज़रिया पेश करेगा NNP और राष्ट्रीय आय का ही एक अलग नज़रिया पेश करेगा प्रति व्यक्ति आय। तो कहने का मतलब ये है कि हम राष्ट्रीय आय तो पढ़ने वाले हैं और GDP, GNP, NNP और पर कैपिटा इनकम की सहायता से इस राष्ट्रीय आय के विभिन्न दृष्टिकोण पर हम बात करेंगे, अर्थात इस राष्ट्रीय आय को देखने के अलग अलग नज़रियों पर हम बात करेंगे। इसीलिए इस टॉपिक को मैंने क्या कहा, राष्ट्रीय आय के विभिन्न दृष्टिकोण, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं किसके ऊपर, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे GDP के बारे में चर्चा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो GDP की शुरुआत अब हम करते हैं, देखते हैं सबसे पहले हम कौन से दृष्टिकोण पर बात करेंगे, GDP या फिर इसे ही आप कैपिटल या फिर इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और अगर आप इसे हिंदी में कहें तो ये क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक। अब एक काम करते हैं, इस टॉपिक को समझने के साथ साथ एक प्रश्न पर भी हम बात कर लेते हैं,
प्रश्न क्या होगा, मान लेते हैं कि मेंस पर ये प्रश्न आया है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें, ठीक, ये आ चुका है कितने वर्ड में, तो ये आ चुका है 30 वर्ड में। बहुत बेहतर तरीके से अगर आप लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इस 30 शब्द के क्वेश्चन को हम 60 वर्ड का कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें एवं उसके महत्व को बताएं, ठीक है। तो क्या करना है, जब 30 शब्दों में पूछा गया तो सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें एवं इसके महत्व को भी बताएं, इसके महत्व की भी व्याख्या करें, और जब इन दोनों को कंबाइंड तौर पर हम देखें तो लगभग ये 60 शब्दों में बन सकता है। आगे ये 100 शब्दों पर भी आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये कोई आपसे प्रश्न पूछा गया है। अब इस प्रश्न का जवाब खोजते हुए हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद कहता क्या है, सकल घरेलू उत्पाद कहता है एक निश्चित समय अवधि पर किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस भौगोलिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो कीवर्ड हम यहाँ पर देख रहे हैं वो क्या है, तो सबसे पहले हमने क्या बात की, एक निश्चित समय अवधि पर, निश्चित समय अवधि होनी चाहिए, ठीक है। एक निश्चित समय अवधि पर किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस भौगोलिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से, एक निश्चित समय अवधि पर किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि 30 शब्दों पर आपने इसे लिख दिया, इसे लिखने के बाद क्या कहानी ख़त्म, तो कहानी ख़त्म नहीं होगी। इसे लिखने के बाद जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड होंगे उन इम्पॉर्टेंट कीवर्ड को आपको अंडरलाइन करना होगा, और यही है वो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड। निश्चित समय अवधि, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र, अंतिम वस्तु और सेवाएं और मौद्रिक मूल्य, इन्हें अंडरलाइन जब आप कर देंगे तब आप जांचकर्ता को ये अच्छे से समझा पाएंगे कि भाई वो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड जो जीडीपी की परिभाषा के लिए पूर्ण करते हैं, उस परिभाषा को पूर्ण करते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने लिखा है। जब भी हम आंसर में कोई भी चीज़ अंडरलाइन करते हैं इसका मतलब ये है जांचकर्ताओं कि जो नज़र है, जो दृष्टि है, उसको हम आकर्षित कर रहे हैं उस शब्द या उस वाक्य के ऊपर। तो इस तरीके से आपने इसे अंडरलाइन कर दिया। अब मन में सवाल ये आया कि सर डेफिनेशन तो बढ़िया लगा, अच्छा लगा, समझ में आया, लेकिन ये कहना क्या चाहता है और ये राष्ट्रीय आय का विभिन्न दृष्टिकोण कैसे हुआ। तो कहना क्या चाहता है पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, कहना ये चाहता है कि मान लेते हैं कि कोई एक भौगोलिक क्षेत्र है, मान लेते हैं ये बहुत जल्दी बनाया गया भारत है, इस भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी एक निश्चित समय अवधि होना चाहिए। निश्चित समय अवधि, तो आप ये निश्चित समय अवधि को क्या क्या ले सकते हैं कि अगर वो निश्चित समय अवधि 3 मंथ का हुआ तो क्वार्टरली जीडीपी, अगर वो निश्चित समय अवधि 6 माह का हुआ तो छमाही जीडीपी, अगर वो निश्चित समय अवधि 12 माह का हुआ तो अब आप इसे क्या कह देंगे कि ईयरली जीडीपी। कई जगहों पर, कई किताबों पर आपको इस जीडीपी की परिभाषा पर वित्तीय वर्ष दर्शाया गया होता है, लेकिन वित्तीय वर्ष जब आप लिख देंगे तो आप अपने डेफिनेशन को छोटा कर गए, आप अपने डेफिनेशन की जो व्यापकता हो सकती थी उसे आपने संकीर्ण कर दिया, क्योंकि जीडीपी सिर्फ वित्तीय वर्ष की नहीं, जीडीपी जो है वो 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने सबके लिए निकाली जा सकती है। तो इसलिए हम किसी माह या वर्ष की संज्ञा ना देते हुए हम एक निश्चित समय अवधि लिख देंगे तो हम अपने डेफिनेशन को एक व्यापक आयाम दे गए, ठीक है। फिर उसके बाद जब भौगोलिक क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये भौगोलिक क्षेत्र जो बना हुआ है, कई जगहों पर आपको ये देखने को मिलेगा किसी देश, तो देखिए जीडीपी देश का भी निकाला जा सकता है,
जीडीपी विश्व का भी निकाला जा सकता है, जीडीपी राज्य का भी निकाला जा सकता है। तो जीडीपी की जब आप परिभाषा करेंगे तब आप देश, राज्य और विश्व जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज करेंगे, क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलरली एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बारे में लिख देंगे तब आपने अपने डेफिनेशन को क्या कर दिया, आपने संकीर्ण कर दिया। इसलिए आप भौगोलिक क्षेत्र लिखेंगे, भौगोलिक क्षेत्र अगर आपने लिख दिया तो इसमें देश, राज्य और विश्व सारे के सारे यहाँ पर पैमाने समाहित हो जाएंगे। तो इसलिए भौगोलिक क्षेत्र लिखना ज़रूरी है। अब ये डेफिनेशन ये कहता है कि एक निश्चित समय अवधि पर 3, 6, 12 कुछ भी हो सकता है, इस भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी वस्तु और सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, लेकिन ये वस्तु और सेवा कैसे होने चाहिए, अंतिम रूप में होने चाहिए, फाइनल फॉर्म में होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, अंतिम रूप कहने का क्या तात्पर्य है, हर वह वस्तु जिसमें अब फर्दर वैल्यू एडिशन होना नहीं है वो अंतिम रूप में कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर का एग्जांपल लूँ तो इस मार्कर का ये आप अंतिम रूप देख रहे होंगे, इस मार्कर के उत्पादन की जितनी भी यहाँ पर स्टेजेस हुए थे, जितने भी स्तर थे, तो समझते हैं कि पहले कवर बना होगा, फिर इसके अंदर का स्पंज बना होगा, ये निब बना होगा। तो स्पंज इस प्लास्टिक के कवर और निब की मनी वैल्यू को आपको ऐड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अभी उनकी मौद्रिक मूल्य में अंतिम रूप होना बाकी है। ये मार्कर जब मार्कर का रूप धारण कर लेगा, अर्थात सभी उत्पाद जब इसमें समाहित हो जाएंगे तब यह अंतिम रूप में है। एक आसान तरीके से आप इसे ये भी कह सकते हैं कि हर वह वस्तु और सेवा जो कंजप्शन के लिए तैयार है, जैसे अभी इसका हम उपभोग कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, हर वस्तु और सेवा जो कंजप्शन या उपभोग के लिए तैयार है वह उस वस्तु का अंतिम रूप बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जीडीपी को कहेंगे कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो मनी वैल्यू होगी, अगर भारत में आप हैं तो रुपए में दिखेगा ये, तो इस भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी निश्चित समय अवधि पर गुड्स एंड सर्विसेज का जो अंतिम रूप है उसके मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। अब मन में सवाल ये आया कि सर जब आप नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे थे तब आपने ये कहा था कि नेशनल इनकम अर्थात नागरिकों की आय से संबंधित बात होने वाली है, ठीक है, और आप ही ने कहा कि जीडीपी जो है वो नेशनल इनकम का एक रूप है, एक दृष्टिकोण है। तब ये बताइए कि नागरिकों की आय और वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ कैसे रहा है। हो सकता है मन में सवाल ना आया हो, लेकिन मेरा ये धर्म बनता है कि मैं हर वो माइन्यूट सी माइन्यूट बात को आप लोगों तक पहुँचा दूँ। सवाल ये था कि नेशनल इनकम जो है नागरिकों की आय दर्शाता है और जीडीपी जो है वो नेशनल इनकम दर्शा रहा है, तो इसका मतलब जीडीपी जो होगा वो क्या होगा, नागरिकों या निवासियों की आय से संबंधित कुछ बात होने वाला होगा। एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि जब जीडीपी की आप परिभाषा देख रहे हैं तो वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य पर बात की आपने, तो इस मार्कर का कोई परिवार है क्या, इसकी मौद्रिक मूल्य की अगर आप गणना कर रहे हैं तो एक्चुअल में इसका मौद्रिक मूल्य किसकी आय बनने वाला है, इस मार्कर से जुड़े हुए लोगों का आय बनने वाला है। अगर ये मार्कर 50 रुपये का है तो उस 50 रुपये में से 30 रुपये हो सकता है कि जो इसका फैक्ट्री चला रहा होगा उसका होगा, 10 रुपये कर्मचारियों का होगा, 10 रुपये बैंकिंग सेक्टर का होगा जहां से उधार लाया गया है। तो अंतिम में ये जो 50 रुपये है इस मार्कर का वो क्या होने वाला है, वह नागरिकों की आय में ही तब्दील होने वाला है। तो इस प्रकार से आप इनका कनेक्शन जोड़ पा रहे होंगे। तो जीडीपी जो है वह नागरिकों की आय से संबंधित बात होने वाली है। ध्यान रखिएगा संबंधित कहाँ, मैंने एग्जैक्टली ये नहीं कहा कि जीडीपी इज इक्वल्स टू सिटीजन्स इनकम या जीडीपी जो है वो नागरिकों की आय को दर्शा रहा है एकदम क्लियरली। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आगे आप समझ जाएंगे। जीडीपी जो है वो नागरिकों की आय से संबंधित बात करता है, ठीक है, ये हमने जीडीपी की परिभाषा समझ ली। अब बात ये आती है कि इस जीडीपी को समझ तो लिए लेकिन इस जीडीपी का महत्व क्या है, अर्थात इस राष्ट्रीय आय का कौन सा दृष्टिकोण ये जीडीपी दर्शा रहा है, क्योंकि हमने तो यही कहा है कि राष्ट्रीय आय के कई दृष्टिकोणों में से सबसे प्रमुख और सबसे इम्पॉर्टेंट जीडीपी है और जीडीपी राष्ट्रीय आय का कोई एक दृष्टिकोण दर्शा रहा होगा। तो मन में यही सवाल आता है कि सर ये जो जीडीपी है ये किस प्रकार के दृष्टिकोण को दर्शाएगा, तो चलिए इस पर बात करते हैं, या फिर हम अपने उस प्रश्न के दूसरे पड़ाव पर बात करने वाले हैं कि जीडीपी का महत्व क्या है। चलिए शुरू करते हैं जीडीपी का महत्व। जीडीपी की जब आप परिभाषा समझ गए तो जीडीपी के महत्व पर भी बात करना अनिवार्य हो जाता है। चलिए समझते हैं अब हम क्या करने वाले हैं, महत्व समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला महत्व जीडीपी का क्या है कि जीडीपी उस भौगोलिक क्षेत्र की
आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। इट रिप्रेजेंट्स इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ दैट टेरिटरी, या जिस टेरिटरी का वो क्या है, जीडीपी है, उसकी आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, आंतरिक स्थिति कहने का क्या तात्पर्य है कि उस भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार के वस्तुओं का मांग बना हुआ है, पॉइंट ए। उस भौगोलिक क्षेत्र में बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, यह भी आंतरिक स्थिति दर्शाएगा। और पॉइंट सी कि उस देश में सरकार की उत्पादन मूलक नीति कैसी है, अर्थात सरकार की नीति पर बात होगी। नहीं समझ में आया, धैर्य रखिएगा। मान लेते हैं कि किसी देश की जो जीडीपी है वह 500 रुपये मौद्रिक मूल्य आई, अर्थात सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य आया वह 500 रुपये आता है। अब इस 500 रुपये को अगर मैं विभाजित करूं तो मान लेते हैं कि 300 रुपये का जो वस्तु हमें देखने को मिलता है वह संबंधित है वस्त्र एवं जूतों से, ठीक है, टेक्सटाइल एंड शू। 100 रुपये का जो वस्तु है मान लेते हैं कि यह संबंधित है खाद्य सामग्री से, और 100 रुपये का जो वस्तु है इसे हम मान लेते हैं कि यह सेवा क्षेत्र से है, और सेवा क्षेत्र में भी अगर हम इसे मान के चलें कि यह संबंधित है ई सर्विसेज से, अर्थात इंटरनेट के माध्यम से जो सर्विस प्रदान की जा रही है, जैसे कि अगर आप देखें जोमैटो, स्विगी, ठीक है, ओला, तो भाई ये सारे चीज़ अभी तो लॉकडाउन के टाइम पीरियड पर आप इनका इस्तेमाल ज़रूर किए होंगे। तो मान लेते हैं कि ये किसी देश की क्या है, जीडीपी है एक निश्चित समय अवधि पर, और ये 500 रुपये आई और हमने इसे इस प्रकार से तोड़ दिया। अब इस आंतरिक स्थिति का मतलब, और वो भी मांग से मतलब, तो इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, यह जो जीडीपी बनी हुई है 500 रुपये, यह जाहिर सी बात है कि इस मांग से निर्भर होगी, अर्थात ये जो सारे वस्तुएं हम देख रहे हैं जिनका उत्पादन हुआ है वो उत्पादन तो तभी हुआ होगा ना जब इन वस्तुओं का क्या हुआ होगा, मांग हुआ होगा। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले जब आप आंतरिक स्थिति कहते हैं और कहते हैं कि जीडीपी देखकर मैं उस देश के बाजार में किस प्रकार के वस्तुओं की मांग चल रही है इसका अनुमान निकाल सकता हूं, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो 500 रुपए का जीडीपी बना, अर्थात सबसे ज़्यादा वस्त्र एवं जूतों का आपने यहाँ पर उत्पादन देखा, तो इसका क्या अर्थ है कि जब हम भारत देश के बाजार पर नज़र डालते हैं तब हम ये पाते हैं कि भारत देश में सबसे ज़्यादा जो डिमांड बना हुआ है, जो मांग बना हुआ है बाजार में, वह वस्त्र एवं जूतों से संबंधित वस्तुओं का मांग बना हुआ है, क्योंकि इनका उत्पादन सबसे ज़्यादा इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ के बाजार पर इस प्रकार के वस्तुओं की मांग बनी होगी। अब अगर आपने ये जान भी लिया जीडीपी देखकर कि इसके भाई यहाँ पर ये जीडीपी है, इन वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, तो इस प्रकार के वस्तुओं की मांग यहाँ के बाज़ार पर ज़्यादा है, तो इससे आप क्या कर लेंगे? इससे आप बहुत सारी प्लानिंग कर सकते हैं। ये वाला फ्लो चार्ट आपको याद होगा, इस फ्लो चार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें समझी थी। चलिए अब हम इसे ही समझते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा कि भाई यह जो उत्पादन हुआ है वह कितने का हुआ है, तो 500 रुपये का हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन मुझे किसका देखने को मिलता है, 300 का, अर्थात इस वस्तु बाज़ार पर सबसे ज़्यादा अगर डिमांड किसी का बना हुआ है तो किस प्रकार के वस्तुओं का बना हुआ है, तो वस्त्र एवं जूतों से संबंधित वस्तुओं का डिमांड बना हुआ है। तो जब आप ये डिमांड समझ गए तो इसका क्या अब इस्तेमाल करेंगे, तो इसका इस्तेमाल आप इस प्रकार से कर पाएंगे कि अब जब इस उद्योग क्षेत्र पर निवेश होगा तो निवेश किसके लिए बढ़ेगा, तो निवेश बढ़ेगा इन वस्त्र एवं जूतों से संबंधित उद्योगों के ऊपर, जिससे इनका उत्पादन और बढ़ेगा क्योंकि बाजार में डिमांड भी तो है, और फिर यह जूते वाला उद्योग है उन उद्योगों पर हमें रोजगार भी बढ़ता हुआ दिखेगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? जब आपने देखा कि बाजार में इस प्रकार के वस्तुओं का डिमांड ज्यादा है तो जो सरकार की नीति आएगी वो भी थोड़ी सी इसी के पक्ष में आएगी, क्योंकि यह जो डिमांड बढ़ता हुआ वस्त्रों पर दिख रहा है वो बढ़ते हुए रोजगार में तब्दील किया जा सकता है अगर इन उद्योगों को लिए कुछ एक अनुकूल नीति लाई जाए, जैसे इंडस्ट्रियल पार्क बना लिया जाए, अपैरल पार्क बना लिया जाए, एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाए जिन क्षेत्रों पर इन वस्त्रों एवं जूतों के उद्योग के लिए जो भी आवश्यक संसाधन है वो एक ही जगह पर उपलब्ध करवा दिया जाए, तो सरकार की नीति भी आ जाएगी, बैंकिंग सेक्टर भी उस क्षेत्र पर पैसा भेजने लगेंगे।
आ रही बात समझ में? तो डिमांड अगर आपको समझ में आ गया जीडीपी की सहायता से, तो आप पूरे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर उस डिमांड की तरफ में भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि जीडीपी के माध्यम से हम उस देश के आंतरिक स्थिति का आकलन कर सकते हैं। और आंतरिक स्थिति पर हमने सबसे पहले मांग पर बात की कि जब आप जीडीपी देखेंगे या फिर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बारे में देखेंगे, तब आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार के वस्तुओं की मांग ज़्यादा है, और इसे समझने के बाद आप बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बैंकिंग सेक्टर की ओर। अब अगर मान लेते हैं कि बाजार में मांग तो काफ़ी बेहतर है, किसका? वस्त्र एवं जूतों का, या फिर खाद्य सामग्रियों का, या तो फिर ये सेवा क्षेत्रों का मांग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर अपनी ब्याज दरें अगर ज़्यादा रखेंगे तो क्या निवेश हो पाएगा क्या? इसे अगर आप इस चार्ट में समझे कि भाई डिमांड तो ज़्यादा है, लेकिन अगर ये जो बैंकिंग सेक्टर है, वित्तीय संस्थाएँ हैं, वो अपने ब्याज दर मान लेते हैं ज़्यादा रखते हैं, ब्याज दर ज़्यादा रखने से निवेश लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्याज दर ज़्यादा होना अर्थात महंगे में उधार लेकर आना, और अधिक मांग होने के बावजूद इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्याज दरें क्या हैं? ज़्यादा है। तो जीडीपी के लिए उस भौगोलिक क्षेत्र के बैंकिंग सेक्टर द्वारा दिए गए ब्याज दरों पर उधार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बढ़ता हुआ जीडीपी अर्थात अच्छी बैंकिंग सेक्टर, अच्छे इंटरेस्ट रेट, घटता हुआ जीडीपी अर्थात बैंकिंग सेक्टर भी यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। हो सकते हैं उनके कुछ ऑथेंटिक कारण ज़रूर हो। क्लियर है? अब अगर आप ये मान के चलें कि भाई डिमांड तो अच्छा है, ब्याज दर भी काफ़ी बेहतर है, निवेश ज़्यादा बढ़ रहा है, ब्याज दर कैसा है मान लेते हैं अच्छा है, ब्याज दर अच्छा मतलब ब्याज दर कम होना एक लिमिट में, लेकिन सरकार की नीति ऐसी है कि भाई खाद्य सामग्री के लिए हम बहुत ज़्यादा नीति नहीं चलाएंगे। अगर कोई डोमिनोज में जाकर पिज़्ज़ा खाएगा तो उसे 400 कोड़े मारे जाएंगे। तो क्या इस अधिक डिमांड के होने की वजह से भी उत्पादन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सरकार की नीति भी उत्पादन मूलक होनी चाहिए, तभी जाकर जीडीपी बढ़ता है। तो जब हम जीडीपी देखते हैं तो उस जीडीपी के माध्यम से हम उस देश में किस प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का मांग चल रहा है, इसका आकलन कर सकते हैं। जीडीपी को देखकर या बढ़ती घटती जीडीपी को देखकर उस भौगोलिक क्षेत्र के बैंकिंग सेक्टर के ब्याज दरों के बारे में भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बढ़ती घटती जीडीपी को देखकर हम उस देश के सरकार के उत्पादन मूलक नीतियों के बारे में भी समझ सकते हैं। इसलिए मैंने क्या कहा कि जीडीपी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जीडीपी उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र के आंतरिक स्थिति को दर्शाता है, जैसे बाजार में मांग, बैंकिंग सेक्टर की ब्याज दरें और सरकार की उत्पादन मूलक नीति या फिर प्रोडक्शन ओरिएंटेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है? जैसे मान लेते हैं कि अभी आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में भी और देश में भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी नीति देखी होगी। ये फूड प्रोसेसिंग नीति सरकार क्यों लाई, ये उत्पादन मूलक नीति सरकार की खाद्य उत्पादनों के लिए क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि अभी हम बाज़ार पर देखते हैं कि जो कंजप्शन है ऐसे खाद्य सामग्रियों का, वो कंजप्शन काफ़ी बढ़ गया, इनकी काफ़ी डिमांड है। अर्थात अगर आप देखें बाज़ारों में सब्जी से लेकर चावल से लेकर गेहूं से लेकर आटे से लेकर हर चीज़ पैकेट में उपलब्ध है, अर्थात इनका उत्पादन किया जा रहा है, इनका पैकिंग किया जा रहा है। तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए सरकार ने देखा कि एक प्रकार की क्या है, ये अवसर है, एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी है कि अगर लोग कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं फूड आर्टिकल्स का, तो इस फूड आर्टिकल्स को लेकर अगर मैं कोई एक ऐसी नीति बनाऊं जिससे इन फूड आर्टिकल्स को उत्पादन करने वाले जो संस्था हैं, जो उद्योग हैं, उनको लाभ मिले, तो इस मांग की तो पूर्ति इस बाज़ार में ज़रूर हो जाएगी, साथ ही साथ बहुत बड़ी जनसंख्या को रोज़गार भी मिल पाएगा क्योंकि इनका उत्पादन तो बढ़ने वाला है क्योंकि बाज़ार में इनसे संबंधित वस्तुओं की मांग बढ़ चुकी है। इसलिए सरकार क्या की, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी लेकर आई खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए। तो ये सरकार की उत्पादन मूलक नीति आप समझ सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ अगर आप समझ गए, तब आप इस महत्व पर सबसे पहले लिखेंगे कि जीडीपी उस भौगोलिक क्षेत्र के आंतरिक स्थिति को दर्शाता है, जैसे वस्तु बाजार में वस्तुओं की मांग की स्थिति, बैंकिंग सेक्टर के ब्याज दरों की स्थिति और सरकार के उत्पादन मूलक नीति। यह है इंटरनल कंडीशन ऑफ एनी कंट्री।
क्लियर है, आगे बात समझ में आपको इस उदाहरण के माध्यम से, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अब एक चीज और आपके दिमाग में मैं डालना चाहूंगा, जब आपने ये क्वेश्चन देखा जीडीपी को परिभाषित करें एवं उसके महत्व को बताएं, तो जीडीपी को परिभाषित करते समय हमने पैराग्राफ का इस्तेमाल किया, क्योंकि परिभाषा को हम पॉइंट पर नहीं लिख सकते, लेकिन जब हमने महत्व की बात की, इंपॉर्टेंस की बात की, तब हमने उसे पॉइंट पर लिखने का प्रयास किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप महत्व, समाधान, कारण, समस्या, ऐसे सारे चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब आप अपने आंसर को पॉइंट वाइज ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि महत्व सुनते ही मेरे दिमाग में आता है कि कितना महत्व इस बच्चे को पता है, तो कितना अर्थात संख्या की बात हो रही है, और संख्या आप पॉइंट के माध्यम से आसानी से बता सकते हैं कि भाई मुझे 4 महत्व पता है, मुझे 5 महत्व पता है, मुझे ज़्यादा नंबर दो क्योंकि मुझे 10 महत्व पता है। ठीक है, तो आपको संख्या बतानी होगी ऐसे प्रकार के, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए। चलिए, यह समझने के बाद अब हम अगले महत्व पर चलते हैं, और अगला महत्व क्या कहता है कि जीडीपी के माध्यम से हम अंतरराष्ट्रीय आधारों पर तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय मंच पर या फिर देशों में हम तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो भाई रैंक के माध्यम से। इसका क्या मतलब हुआ? मान लेते हैं कि अमेरिका जो है वह जीडीपी के मौद्रिक मूल्य के आधार पर पहले नंबर पर है, चाइना जो है वो जीडीपी के मौद्रिक मूल्य के आधार पर दूसरे नंबर पर है, और भारत जो है वो जीडीपी के मौद्रिक मूल्य के आधार पर मान लेते हैं 5वें नंबर पर है। अब जीडीपी यूएसए की सबसे अधिक कैसे हो सकती है, जब यूएसए का आंतरिक स्थिति या इंटरनल स्ट्रेंथ तुलनात्मक रूप से विश्व में सबसे बेहतर हो, अर्थात इस यूएसए के बाजार में काफी अच्छा डिमांड हो। इंटरनल स्ट्रेंथ जब आप कहेंगे तब आप समझ गए, बाजार में मांग काफी अच्छा हो, बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रही हो, और साथ ही साथ जो सरकार की नीति है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो भी काफी बेहतर है। तो अंतरराष्ट्रीय आधार पर आप तुलनात्मक विश्लेषण का मतलब यह है कि रैंक के माध्यम से हम देशों को क्या करते हैं, जज करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। तो जीडीपी के सहायता से अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सदस्य देशों को रैंक प्रदान करती है। भाई रैंक तो मिल गया, लेकिन इस रैंक के मिलने से फिर क्या होगा, क्यों ये इम्पॉर्टेंट होता है इतना रैंक? क्यों जब भारत की जीडीपी के आधार पर संख्या या जो रैंक है वो 7वें से 6वें, 6वें से 5वें पहुंचती है, तो खुशी की लहर क्यों दौड़ती है? तो जरा इसे समझने का प्रयास करिए। जब आप कोई एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक आप मान लेते हैं कि कोई एक निवेशक हैं, और निवेशक मान लेते हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप हैं, और ये राष्ट्रपति होने के साथ साथ में इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, बिजनेसमैन भी थे, तो इस तरीके से आप देखेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, उसे निवेश करना है, ठीक है, तो वो कहाँ पर निवेश करेगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, जहाँ से उसको ज़्यादा लाभ मिलता हुआ दिखे, जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा वहीं पर तो इन्वेस्ट करेगा। आप लोगों की तरह, जैसे हम लोगों में भी एक सामान्य प्रवृत्ति है कि जब भी हम फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से कोई चीज़ जब खरीद रहे होते हैं, कपड़े खरीद रहे होते हैं, तो खरीदने से पहले हम रेटिंग देखते हैं कि 4 स्टार मिला है, 4.5 स्टार मिला है, तो जितना ज़्यादा स्टार मिला होगा अर्थात उतना बेहतर वो प्रोडक्ट है। मूवी देखने जाते हैं तब भी तो हम IMDB की रेटिंग्स पर नज़र डालते हैं कि भाई इसकी रेटिंग अच्छी है, मतलब यहाँ पर मनोरंजन भरपूर मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि ये जो रेटिंग है आपके दिमाग में, आपके दिल में कॉन्फिडेंस डालता है कि अगर मैं यहाँ पर पैसे डालूंगा तो मुझे निराशा नहीं मिलेगी, मुझे अपने पैसे का एक बढ़िया वैल्यू आउटपुट मिलने वाला है। कपड़े अगर मैं 4.5 स्टार वाले खरीदने के लिए ऑर्डर करता हूं तो बेहतर कपड़ा मिलेगा। अगर IMDB का 8 रेटिंग अगर मिला है 10 में, तो ये मूवी देखूंगा तो मैं बोर नहीं होऊंगा, मनोरंजन मुझे काफी बेहतर मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई एक निवेशक है, उसे निवेश करना है, तो वहां निवेश करेगा जहां पर उसे बेहतर लाभ बनता हुआ दिखेगा। और वो ऐसा कैसे चेक करेगा? वो चेक करेगा इन रैंक के आधार पर।
जैसे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर एक बिजनेसमैन है, उन्हें निवेश करना है, तो वह जीडीपी पर नज़र डालेंगे, देखेंगे कि अरे मेरे अमेरिका की जीडीपी क्या है, काफ़ी बेहतर है जीडीपी, इसका मतलब क्या है कि मेरे देश का या यूएसए का जो इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, काफ़ी बेहतर है, अर्थात यहाँ पर बाज़ार में जो डिमांड है वो डिमांड क्या है, काफ़ी बेहतर है, तो अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरे द्वारा जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा वो बिकेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ के बाज़ार में डिमांड काफ़ी बेहतर है, बैंकों से अच्छे ब्याज दरों पर उधार भी मिल जाएगा, क्योंकि इंटरनल स्ट्रेंथ काफ़ी बेहतर है, सरकार की नीति भी काफ़ी बेहतर है, तभी तो ये फर्स्ट नंबर पर आया है। हालांकि यहाँ पर एग्जाम्पल पर ये क्लैश हो गया कि जो सरकार चला रहे हैं उसी का उदाहरण हमने ले लिया। तो इस रैंक के माध्यम से निवेशक आकर्षित होते हैं किसी भी देश की तरफ निवेश करने के लिए, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक, ये कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक सदस्य देशों को रैंक प्रदान करती है जिससे निवेशकों को निवेश करने में सहायता होती है। तो ये है GDP का महत्व। GDP काफ़ी बेहतर दिखेगा तो आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे, ठीक है। आपकी तरफ कहने का मतलब आपके देश, आपके भौगोलिक क्षेत्र में निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे। और अगर निवेश आपके देश में होता है, चाहे कोई भी करे, घरेलू निवेशक निवेश करे या फिर बाहरी निवेशक निवेश करे, नौकरी तो भाई आपको मिलने वाली है, क्योंकि अमेरिका की कंपनी अगर यहाँ निवेश करेगी तो अमेरिका से लोग जहाज में बैठ के यहाँ काम करने नहीं आएंगे, कुछ आएंगे लेकिन बड़ी मात्रा पर जो कार्यशील जनसंख्या है वो यहीं मिलने वाली है। अमेजॉन हो, डोमिनोज हो, अमेरिका की कंपनी हो, जब भी हम यहाँ पर देखते हैं तो इन लोगों को, कर्मचारियों को, तो ये भारतीय ही दिखते हैं, अर्थात निवेश से हमारे देश में क्या हुआ है, रोजगार में वृद्धि हुई है। इसलिए निवेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारी GDP की रैंकिंग महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, और वो सारी चीज़ हम GDP के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि क्या स्थिति चल रही है आंतरिक स्थिति की, क्लियर है। तो ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। तो क्या महत्व की कहानी ख़त्म? नहीं, महत्व की कहानी एक और पॉइंट पर आएगी और फिर उसके बाद ख़त्म होगी। क्या तीसरा पॉइंट? GDP के माध्यम से या GDP की जो वृद्धि दर होगी, GDP की वृद्धि दर पूरे अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को दर्शाती है, अर्थात अगर ये वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है बढ़ा, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था बढ़ी, अर्थव्यवस्था कह सकते हैं कि आर्थिक आधार पर पूरा देश बढ़ा, ठीक है। अगर GDP की वृद्धि दर कम हुई, अर्थात आर्थिक आधार पर देश नीचे जा रहा है। अब GDP अगर नेगेटिव पर आ गई, अर्थात देश बहुत ही ज़्यादा संकट में, उदाहरण के तौर पर हम इसी इमेज का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि 500 की GDP थी पिछले साल, अब बढ़कर हो गई GDP इस साल 600। इसका क्या मतलब हुआ कि 20% की आपने वृद्धि देखी। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन पहले हुआ था उतना तो हुआ ही है, 100 रुपये का और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो गया है, अर्थात 20% अन्य वस्तु और सेवाएं बाजार पर आ गई हैं। अब अन्य वस्तु और सेवाएं अगर बाजार में आ गई हैं, इससे हमने ये निष्कर्ष कैसे निकाला कि पूरी की पूरी आर्थिक आधार पर देश आगे बढ़ गया, क्योंकि ये जो 20% का अन्य वस्तु और सेवा है जिसका उत्पादन बढ़ा है, इसकी वजह से इसी के अनुपात में रोजगार भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने लोग 500 रुपये के वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए संलग्न थे उतने तो अभी भी रहेंगे, लेकिन इस 20% के अन्य वस्तु और सेवाओं के उत्पादन करने के लिए और लोग लगे होंगे, अर्थात रोजगार में वृद्धि हुई होगी, और जो देश की आय है, नागरिकों की आय है, उसमें भी वृद्धि हुई होगी, बाजार में मांग भी बढ़ेगा, क्योंकि रोजगार बढ़ा है, लोगों की आय बढ़ी है, मांग बढ़ा है, और फिर से उत्पादन बढ़ेगा, फिर से निवेश बढ़ेगा, फिर से बचत बढ़ेगा, सरकार को आय बढ़ेगी, सरकार की व्यय बढ़ेगी, आयात बढ़ेगा और निर्यात भी बढ़ेगा। तो मात्र इस 20% के GDP वृद्धि दर से आप इस पूरे अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का परीक्षण कर ले गए, निष्कर्ष निकाल ले गए कि सिर्फ अन्य वस्तु और सेवाओं का उत्पादन पर जो वृद्धि दर है, सिर्फ ये वस्तु और सेवाओं तक सीमित नहीं है, ये पूरी की पूरी देश, पूरी पूरी अर्थव्यवस्था पर भी वृद्धि दर्शाएगा। लेकिन वर्तमान की कहानी संकटमय है। वो क्या है?
आपको पता है कोविड की वजह से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग आ चुका। इसकी वजह से होगा क्या कि उत्पादन रुक गया, बाजार में लोग जाने बंद कर गए, जिससे ना तो बाजार में डिमांड हुआ ना तो उत्पादन हुआ, अर्थात डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों ही क्या हो गया है, गड़बड़ हो गया है। अब दोनों ही गड़बड़ अगर हो जाए तो जीडीपी की वृद्धि दर क्या होगी, गिरेगी। और अगर जीडीपी की वृद्धि दर गिर रही है तो आपके लिए ये क्या है, चिंता का विषय है, क्योंकि जीडीपी की वृद्धि दर अगर बढ़ी तो पूरा देश बढ़ा उसी वृद्धि दर से, तो जीडीपी अगर नीचे गिरी तो पूरा देश क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। सरकार के पास आय नहीं होगी, बैंकों के पास पैसे नहीं होंगे, बैंक निवेश के लिए पैसा उधार नहीं दे सकते, सरकार खर्च नहीं कर पा रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये रुक गया है, तो पूरी की पूरी देश क्या है, दिक्कत में चली जाएगी। अब इसी बात को समझने के लिए हाल ही में जारी किए गए राष्ट्रीय आय के आंकड़ों पर भी बात कर लेते हैं। 2020-21 का वित्तीय वर्ष चल रहा है, इस वित्तीय वर्ष पर सबसे पहला क्वार्टर, 12 महीने को हमने 4 क्वार्टर पर बांट दिया, 3-3 महीनों के आधार पर। सबसे पहला क्वार्टर क्या हुआ तो अप्रैल मई जून, इसके आंकड़े आ गए सबसे पहले क्वार्टर के, और हमें बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट देखने को मिला जीडीपी की वृद्धि दर पर। अब ये सिर्फ जीडीपी की वृद्धि दर के नज़रिए से आप इसे नहीं देखेंगे, अब आप इसे पूरे देश की वृद्धि दर के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि अगर ये बढ़ रहा है तो पूरा देश बढ़ रहा है, अगर ये गिर रहा है तो पूरा देश गिर रहा है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए इस न्यूज पर हम नजर डालते हैं, इंडियाज जीडीपी क्वार्टर वन डेटा लाइव अपडेट्स। इंडियाज जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 23.9% इन अप्रैल जून क्वार्टर। कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब वृद्धि दर कम नहीं हुई है, 23.9% का माइनस आप कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि अगर इसी अवधि पर पिछले साल 100% या 100 रुपये का वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ था तो इस समय लगभग 77 रुपये के वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट्स कहने का मतलब नेगेटिव, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर नज़र डालते हैं, इस चार्ट पर क्या बताया गया कि भाई हाउ इंडियाज क्वार्टरली जीडीपी क्रैश्ड। तो इसका क्या अर्थ है कि भाई अभी आपने देखा कि 23.9% का नेगेटिव आप ग्रोथ देख रहे हैं, अर्थात कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, लेकिन क्या सिर्फ ये कोविड की वजह से हुआ है? कोविड के पहले क्या स्थिति बहुत बेहतर थी? तो इस इमेज के माध्यम से ये बताया गया कि भाई अगर आप जीडीपी की वृद्धि दर पर बात करें तो ये कोविड के पहले से ही गिरते जा रही थी, ठीक है, अर्थात 8.18% से 5.59%, फिर 3.1% के आसपास, और फिर ये गिर गई। अर्थात कोविड की वजह से तो जो वृद्धि दर गिरी है वो तो गिरी है, लेकिन प्री कोविड भी कुछ ऐसी परिस्थिति जरूर थी जिससे हमारे देश में या अर्थव्यवस्था पर कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा था। वो प्री कोविड कंडीशन किसकी वजह से आए थे तो डिमांड का कम हो जाना ड्यू टू जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन, इसके अल्पकालिक नकारात्मक प्रभाव की वजह से, बैंकिंग सेक्टर के एनपीए की समस्या, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, तो प्री कोविड टाइम पर भी कुछ कंडीशन चल रही थी। तो इस वृद्धि दर को देखकर आपको चिंतित होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये वस्तु और सेवाओं के उत्पादन पर कमी नहीं दर्शा रहा है बल्कि पूरे इकोनॉमी एंगल ऑफ कंट्री को क्या कर रहा है, नेगेटिव साइड पर लेकर जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद मौद्रिक मूल्य पर क्या बात की गई कि 35.35 लाख करोड़ रुपए था क्वार्टर वन पर 2019-20 पर, ठीक है, और यह मौद्रिक मूल्य इस क्वार्टर पर अर्थात 2020-21 के पहले क्वार्टर पर कितना हो गया तो 26.9 लाख करोड़, और यही है 23.9% की गिरावट। क्लियर है, आ रही बात समझ में? Showing a contraction of 23.9% as compared to 5.2% growth in quarter one. इसी time period पर पिछले साल 5.2% का आपने वृद्धि देखा था। आगे बढ़ते हैं और ये growth has been falling मच बिफोर कोविड स्ट्रक, अर्थात कोविड के पहले भी ग्रोथ हमारी गिर रही थी जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसलिए कोविड के पहले भी कई प्रकार की चुनौतियां थी अर्थव्यवस्था को लेकर, और उससे संबंधित समाधान के लिए भी कार्य किए जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं 2021 विल बी द फर्स्ट टाइम इन 41 ईयर्स,
41 साल में पहली बार ऐसा होने वाला है कि जो वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर है वह नेगेटिव पर आने वाली है। तो क्वार्टर वन की कहानी तो आपने देख ली, जब क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर खत्म होगा, पूरे साल भर की जीडीपी का जब आकलन निकाला जाएगा तब ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि पूरे देश की जीडीपी -5% पर आएगी, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट होगी, और यह 1989-80 के बाद अब होने वाला है, अर्थात 41 साल बाद। क्लियर है? और ये बहुत ही ज़्यादा संकट की स्थिति है, अर्थात इस साल अर्थव्यवस्था पर हर एक घटक, चाहे वो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो, रोजगार हो, लोगों की आय हो, बाजार में मांग हो, बैंकों में बचत हो, बैंकों द्वारा उधार हो, सरकार की आय हो, सरकार के द्वारा व्यय हो, निर्यात हो, आयात हो, ये हर एक घटक नेगेटिव होने वाला है। हो सकता है कि कुछ चीज़ों पर अपवाद स्वरूप आप समीकरण बदला हुआ देख जरूर सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से वृद्धि दर पर इसीलिए चर्चा होती है क्योंकि जीडीपी दर पर जब आप बात करते हैं तब यह समझ में आता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी दिक्कत में जा रही है। ठीक है, तो क्या यह जो नेगेटिव वृद्धि दर है यह क्या सिर्फ हमारे लिए है? तो नहीं, जरा विश्व की कहानी भी देख लेते हैं। विश्व की कहानी कुछ इस प्रकार से दिखेगी आपको कि भाई सबसे ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ आपको इस क्वार्टर पर देखने को मिला यूएस में, सबसे ज़्यादा कोविड केस भी यहीं पर है, फिर उसके बाद देखने को मिला आपको इंडिया पर, और उसके बाद आप सभी डेवलप्ड इकोनॉमी पर नेगेटिव ग्रोथ रेट देख रहे हैं, सिर्फ उस देश को छोड़कर जिसे कोविड का जन्मदाता माना जा सकता है, चीन। चीन एक तरफ, जब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी दुनिया नेगेटिव ग्रोथ पर चल रही है, तो ये कोविड के जन्मदाता वाले जो देश हैं वो 3.2% का पॉजिटिव ग्रोथ हमारे सामने लेकर चले आए। आ रही बात समझ में? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और इसी ग्रोथ रेट पर आधारित क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है जो रेट करती है, उन्होंने 27 मई 2020 को अपने एक रिपोर्ट पर कहा कि इंडिया फेसिंग इट्स वर्स्ट रिसेशन इन करंट फिस्कल सेज क्रिसिल, रिसेशन अर्थात आर्थिक मंदी। देखिए, इसके पहले 2008 में विश्व में आर्थिक मंदी आई थी, उस आर्थिक मंदी को इस आर्थिक मंदी से कमज़ोर माना जा सकता है, अर्थात कोविड की वजह से जो आर्थिक मंदी आ रही है वो ज़्यादा गंभीर है। कारण नंबर एक कि वो जो रिसेशन आया था वो ऐच्छिक नहीं था, ठीक है, वो ऐसे समीकरण बने, ऐसी संरचनाओं में कमी हुई अमेरिका में, फाइनेंशियल सेक्टर पूरा डूब गया, और उसके बाद पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरे विश्व की इकोनॉमी, क्योंकि अमेरिका से जुड़े हुए थे, ग्लोबलाइजेशन का दौर था, और इकोनॉमी गिर गई। लेकिन इस समय ये जो स्थिति बनी वो ऐच्छिक बनी, पेंडेमिक को रोकना था, लॉकडाउन इच्छा से आपने लगाया था, ठीक है, आप तैयार नहीं थे, और आपने जब ये लॉकडाउन लगाया तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी में कुछ असर देखने को तो ज़रूर मिलेगा। एक तरफ जब हम पूरे विश्व की जीडीपी की बात करते हैं तो रिसेशन 2008 के समय ये लगभग 1.5 के आसपास का रिसेशन दर्ज हुआ था, और अभी अनुमान लगाया गया है लगभग 2.5% का कॉन्ट्रैक्शन अर्थात नेगेटिव शो होगा, कहाँ पर? पूरे विश्व की जीडीपी पर। भारत के परिप्रेक्ष्य में इंडियाज फोर्थ रिसेशन सिंस इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट सिंस लिबरलाइजेशन। रिसेशन की कहानी को अगर हम देखें तो भारत में जब 1991 के बाद में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाया गया, उसके बाद से सबसे गंभीर रिसेशन भारत में अब पड़ने वाला है, और ट्यूसडे को, अर्थात जब ये छपा तो उस ट्यूसडे को 5% करंट फिस्कल में इसका कॉन्ट्रैक्शन की बात की गई है, अर्थात -5% कोविड-19 के लॉकडाउन के द्वारा, ठीक है, और द फर्स्ट क्वार्टर में इसका बात किया गया था 25%, हालांकि ये 23% अब हमारे सामने देखने को मिलता है। आगे क्रिसिल ने बस ये चिंता जाहिर नहीं की, ये चिंता SBI ने भी किया, ठीक है, SBI ने बोला था कि अप्रैल जून के क्वार्टर पर 16.5% का नेगेटिव ग्रोथ दिखने वाला है, हालांकि इससे और गंभीर स्थिति हमको दिखने मिल गई, क्योंकि यह जो रिपोर्ट जारी की गई थी ये 17 अगस्त को जारी की गई थी, और ये जो 23% वाला भाग है ये अभी 31 अगस्त को जारी किया गया ये रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्शन के पीछे का कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि प्रोडक्शन कम हो जाना लॉकडाउन की वजह से और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बाजार में कंज्यूमर का वापस हट जाना, डिमांड कम हो जाना। इसे अगर हम चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अर्थात एक ऐसा सूचकांक है जो देश में उद्योग के उत्पादन का लेखा जोखा रखता है। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, जनवरी तक स्थिति कुछ इस प्रकार से थी, ठीक है, और अप्रैल में यह स्थिति गिरकर क्या हो गई है, यहां तक पहुंच गई है, अर्थात देश में उत्पादन गिरा हुआ है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के इस आंकड़ों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी दिक्कत में है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो फिर बाजार तक उत्पाद पहुंचेगा ही कैसे। कंज्यूमर्स अर्थात दूसरा जो मैंने प्रमुख कारण कहा वो क्या था कि उत्पादन भी गिर रहा है और बाजार में डिमांड भी कम हो रहा है क्योंकि कंज्यूमर बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। आप इसके माध्यम से, इस इमेज के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं कि कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस कोलैप्स्ड इन मई, कॉन्फिडेंस गिर चुका था, एंड इंडियन कंज्यूमर्स बिकेम मोर पेसिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अर्थात अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की अगर आप बात करें तो थोड़े से पेसिमिस्ट हो चुके हैं, ठीक है, अर्थात वो बाजार की तरफ रुख कम करने वाले हैं। अब इतनी कहानी आपने समझ ली, ठीक है, अब इस कहानी को हम पूर्ण विराम दें, उसके पहले हम क्या करें कि इस क्वेश्चन का आंसर पे एक बार फिर लिख लेते हैं। हमने जीडीपी को सबसे पहले डिफाइन किया, परिभाषा किया, फिर उसके बाद उसके महत्व पर बात किए। महत्व पर बात करने के समय हमने सबसे पहले आंतरिक स्थिति पर बात की। आंतरिक स्थिति दर्शाता है जीडीपी, ऐसा कहा, और फिर उसके बाद ये आंतरिक स्थिति में मांग, बैंक और सरकार की नीति पर हमने बात की, ठीक। फिर उसके बाद हमने इस जीडीपी की इम्पोर्टेंस रैंक के माध्यम से समझा। रैंक के माध्यम से जब आप जीडीपी को देखेंगे तो वह निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सहायक होगा। तीसरा इम्पोर्टेंस हमने इस जीडीपी के वृद्धि दर पर बात की। अगर ग्रोथ रेट इस जीडीपी का बढ़ता जाएगा, अर्थात ग्रोथ रेट या वृद्धि दर जीडीपी की पूरी के पूरी अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर को दर्शाएगा। अगर जीडीपी की वृद्धि दर कम हुई तो पूरा अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कम हो रही है, हर एक घटक की हो रही है, और इसीलिए इस बात की गंभीरता को समझने के लिए हमने कई फैक्ट और न्यूज़पेपर के इमेज की सहायता ली। क्लियर है, आ गई बात समझ में? तो चलिए एक बार सारी चीज़ों को हम रिकॉल कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमने क्या समझा था आज कि नेशनल इनकम के विभिन्न दृष्टिकोणों को देखेंगे और ये विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से हम अलग अलग नज़रिया देखेंगे। सबसे पहले हमने इस प्रश्न की सहायता ली कि भाई सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें एवं उसके महत्व को बताएं, इसके आधार पर हमने कहानी आगे बढ़ाई और फिर उसके बाद इसे परिभाषित करते हुए समझा कि एक निश्चित समय अवधि पर किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस भौगोलिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, और उसके बाद हम समझे कि निश्चित समय अवधि ही क्यों लिखना है और फिर भौगोलिक क्षेत्र ही क्यों लिखना है, ये हमने समझा। आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमने सबसे पहले महत्व आंतरिक स्थिति पर बात की और हमने इस उदाहरण के माध्यम से और इस फ्लो चार्ट के माध्यम से मांग, सरकार की नीति और बैंकिंग सेक्टर के ब्याज दरों पर बात की। आगे बढ़ते हुए हमने ये देखा कि अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक विश्लेषण अर्थात रैंक के माध्यम, रैंक के लिए भी ये जीडीपी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है क्योंकि इसके माध्यम से निवेशक देश में आकर निवेश कर जाते हैं। उसके बाद हमने क्या समझा कि जीडीपी की वृद्धि दर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर को दर्शाता है। ये तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक काम क्यों नहीं करते, इस क्वेश्चन का आंसर लिख कर डाउट कम्युनिटी पर आप भेजते क्यों नहीं। मैं समझूँ तो कि कितना आप इन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं और समझने के बाद आप उत्तर के रूप में इसे कैसे तब्दील कर रहे हैं। अगले भाग पर, अगले वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।